inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle. Draw a different pair of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? अगर दो सर्कल बनाएगा उनका बीच में कॉमन पॉइंट कितना हो सकता है और कितना मैक्सिमम हो सकता है? समझ में आ रहा है? मानो कि एक सर्कल बनाया है और एक बनाए जैसे छिलिक टच किया है मैंने, तो इसमें कितना कॉमन पॉइंट है? हाँ, इसमें दो सर्कल में बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है। मानो कि पॉइंट ओ है पी। मानो कि ऐसे ही और दो सर्कल बनाए, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है। अभी कितना कॉमन पॉइंट है दोनों का? दो दो, एक दो, पी एंड क्यू। दो से अधिक क्या पॉसिबल है? नहीं। दो से अधिक दो सर्कल में कभी कॉमन नहीं हो सकता है। सेंटर सेंटर क्या सेंटर? सेंटर वाला पॉइंट होगा। सेंटर वाला सर्कल का पार्ट ही नहीं है ना। सर्कल का पार्ट क्या है? यही सर्कल है, ये सर्कल का पार्ट है। सर्कल का पार्ट ही नहीं है। समझ में नहीं आएगा? समझ में स्नेहा? हाँ। सो मिनिमम कितना पॉसिबल है कॉमन पॉइंट? एक पॉइंट पॉसिबल है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कॉमन पॉइंट पॉसिबल है? दो। खत्म आंसर। तो वही बोला कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, अलग अलग पेयर बनाओ। बना लिया हम लोग ऑलरेडी। और क्या बोला? हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? तो इसमें कितना पेयर कॉमन है? हियर वन पॉइंट इज कॉमन, हियर टू पॉइंट इज कॉमन, एंड मैक्सिमम कॉमन पॉइंट इज टू। ठीक है सर। एंड हियर क्या भी लिखिए यहाँ पे, ये मानो की फिगर वन है, फिगर वन है, ये क्या है? फिगर टू है। फिगर वन क्या है कि हियर only one common point, one common point present, और यहाँ पे but in this figure there is two common point. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब maximum number of common point, therefore मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट पॉसिबल, कॉमन पॉइंट कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? इज टू। फिर इज सो सिंपल। नाउ माय डियर लुक हियर, सो एक्सरसाइज 10.3, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल एंड गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको एक सर्कल दे दिया, मानो कि ये सर्कल है आपके पास, आपको नहीं पता सेंटर क्या है इसका। आपको बोला कि आप इसका सेंटर ढूंढो, आप इसका सेंटर ढूंढो। कैसे ढूंढेगा? कंपास से। देखो तरीका क्या है इसका, तरीका बोलो तरीका। इसके लिए आप क्या करो, दो इक्वल कॉर्ड लो जहां भी लो। मानो कि यहाँ पे कॉर्ड ले लो, ये भी सेम लेंथ का, मानो कि ये स्केल ले लो, ठीक है? ऐसे करके मानो कि 5 सेंटीमीटर से जो भी लो, इक्वल लो। मानो कि आप इक्वल ले लिया, मानो कि ये ए बी है, ठीक है? ए बी ले लिया, मानो कि ए बी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होगा। और इसी तरह आप क्या करो कि कहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा ना यहाँ पे लेगा, जहाँ पे भी ले सकता हूँ, कहाँ लेगा बोलो, जहाँ कहाँ पे लेगा? ऊपर लेगा, यहाँ पे लेगा, अच्छा बन लेते, यहाँ पे लेगा ना, यहाँ पे भी आप 5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाओ, मानो कि ये सी डी है। अब क्या करो, कंपास को ऐसे लो, ठीक है? कंपास में पेंसिल गाड़ लो, ठीक है? ऐसे इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क बनाओ, ठीक है? आर्क बना लिया और यहाँ पे भी एक आर्क बनाओ, बनाया ना, समझ में आएगी नहीं? फिर से यहाँ पे भी क्या बनाओ, एक आर्क बनाओ, यहाँ पे भी क्या बनाओ, आर्क बनाओ, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करो, मिला। समझ में मिला है? बाद में क्या करो, इसको फिर से पकड़ो। नाउ यू कंसीडर सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर लेके एक वो करके क्या करके आर्क बना के ऐसे खचंग यहाँ पे लेके खचंग काटो, इसको भी लेके ऐसे खचंग खचंग काटो, समझ में आएगी नहीं? और ये पॉइंट को आप ऐसे मिला, समझ में आएगी नहीं? तो जहां पे दोनों करंट हो रहा है, जहां पे जो काट रहे दोनों सर्कल इसको, और वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। आई होप इट इज क्लियर। फाइंड दिस द वे हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी अननोन और अनगिवन सेंटर। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द स्टेप आल्सो। नाउ हाउ यू हैव ड्रॉन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी स्टेप्स कैसे लिखे, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोलो, हम लोग क्या क्या किए कि ना वन क्या या वी हैव ड्रॉन ना ड्रॉन टू कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ, वेरी गुड, ऑफ सेम लेंथ,
अभी नंबर टू क्या क्या है कि दिस कॉर्ड वेयर बाइसेक्टेड दिस कॉर्ड्स वेयर bisected with the help of compass samajh mein aaya ki nahi with the help of compass bariya this cord were bisected with the help of compass kaise kya hai ab yahan pe likh do ki taking a as a center an arc is drawn drwn similarly taking b as center another arc is drawn drawn to bisect the previous arc so in the same way cord kaun sa cord cord CD is bisected lastly the intersected points were joined and hence we get the center of the circle and hence we got the center of the circle fine listen everybody if two circle intersect at two point मानो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे और एक सर्कल है और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ क्या है दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया मानो कि ये पी पॉइंट है और ये क्या है क्यू पॉइंट है बोला प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोर समझ में आया बात जो तो मानो यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन जो कि इसका जो कॉमन कोर क्या दोनों का ये नहीं होगा PQ जो इस ये मानो कि ये इसका सेंटर है मानो कि O1 और इसका सेंटर क्या मानो कि O2 O1 सर्कल के लिए कोड क्या हो रहा है PQ और सिमिलरली O2 सर्कल के लिए कोड क्या हो रहा है PQ तो आपको बोला यहाँ पे कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द कॉमन कोड तो यहां से अगर आप बनाएगा ये सेंटर वो सेंटर तो क्या बोला है कि ये जो बाइसेक्ट करता है बोल के बोला क्या बोला है हाँ मतलब यहाँ मारा कि एम है यहाँ बोला कि पीएम और एम क्यू जो इक्वल लेवल के बोला समझ मारा है ना आज जो कि प्रूफ दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोर्ड तो यहाँ पे बोला कि प्रूफ दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर मतलब सेंटर कहाँ पे लाया होता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी होगा तो ये जो लाइन जो गुजरेगा ना वो कहां से गुजरेगा वो सेंटर से गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा सेंटर और एक बार समझाते हैं क्वेश्चन को तो ये खोल के समझाता है मानो कि ये सर्कल है और ये कोर्ड है ये आपका उसका तो क्या सेंटर है मानो कि ये पी क्यू है यह बोला है कि वो लाइन एक सेंटर से गुजरेगा बोलो वो लाइन एक सेंटर से गुजरेगा जो परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट होके निकलेगा मतलब आपका पास परपेंडिकुलर भी है और इक्वल बाइसेक्टेड भी है आपको ये दिखाना है कि ये जो लाइन खड़ा हो रहा है ना वो सेंटर से गुजर पा रहा है वो सेंटर से गुजर रहा है आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा थ्योरम 10.3 में हम लोग पढ़ा था
कि अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो बाइसेक करता है, मतलब क्या बनेगा कि PQ और MQ इक्वल होता था। अब थ्योरम 10.34 में पढ़ा था कि अगर बाइसेक करेगा तो खड़ा जो होगा वो क्या होगा, 90 खड़ा होगा। अभी आपको क्या प्रूव करना बोला है कि यहाँ पे 90 भी हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है, बाइसेक्टेड भी है, परपेंडिकुलर भी है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो लाइन गुजर रहा है वो सेंटर से होके गुजर रहा है। अरे समझे पॉइंट, अभी कैसा प्रूव करे, अभी कैसा प्रूव करे, वही चीज असली चीज। देखो मुन्ना सुनो ध्यान से, कैसे करते हैं हम लोग, एक फेक वाला सेंटर मान लेता है, क्या मान लेता है, फेक। मानो कि यहाँ पे एक फेक सेंटर मान लेता है, मानो कि ये इसे मानो कि यहाँ पे हम लोग क्या फेक सेंटर मानता है, और फेक का नाम क्या देते हैं, जेड एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स एम, ठीक है ना, ये पी है ये क्यू है, तो व्हाट इज एक्स, हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स बी द सेंटर ऑफ ओ वन, ठीक है ना, और यहाँ पे वाई क्या मान लेता है, वाई बी द सेंटर ऑफ, माना कि ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, तो ये सर्कल का सेंटर क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स, और उस सेंटर का सेंटर क्या मान लेता है, वाई। तो इससे पहले हम लोग गिवन लेते हैं, गिवन आपके पास क्या है, देखो सुनो ध्यान से, गिवन आपके पास यही है कि ये बाइसेक्टर बाइसेक्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया, पीएम, पीएम इक्वल टू क्यू एम, ये बोल दिया, पीएम इक्वल टू क्यू एम, ये बोल दिया, और ये 90 में होके बोला है, मतलब एन एन पीएम इज परपेंडिकुलर टू ओ ओ वन ओ वन क्यू टू, ऐसे बोल सकता ओ वन और क्यू टू क्या है, ओ वन एम, ओ वन एम एंड PQ लिखो यार, PQ, और क्या बोलता है कि PQ is also perpendicular to O2M, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसका ऊपर क्या हो रहा है 90 बन रहा है, और ये इसका ऊपर क्या बन रहा है 90 बन रहा है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि देयर सेंटर, मतलब क्या प्रूव करना है कि O1 and O2 आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझ में आ रही कि नहीं। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या मानना होगा, गलत फहमी से एक फेक वाला सेंटर मानना होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेट द सेंटर ऑफ सर्कल A, B, what? X, N. N. The center of circle B, B, what? Y. माने? देखो ध्यान से, अभी मजा लगने वाला है, देखो यहां पे। सुनो अभी अगर X सेंटर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन सर्कल A, सर्कल ए पे, मानो कि सर्कल ए था, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, एक्स एक्स एम पी एक्स एम पी एक्स एम पी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, चलो चलो इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों बोल सकते हैं, ये किन लिखा पता है, सिंस पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, सिंस पी एम इक्वल टू क्यू एम, हमको पता था 10.4 से, 10.4 क्या बोलता था, अगर सेंटर से लाइन गुजरेगा, अगर कोर्ड बाइसेक्ट होगा तो जो लाइन खड़ा होगा ना वो 90 का होगा, समझ में आता ना। और 10.3 क्या बोला था कि अगर 90 होगा तो जो कोर्ड होगा बाइसेक्ट होगा, अगर बाइसेक्ट होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बोल सकता है कि यहाँ पे सेंटर से, अभी क्या बोलता है, सेंटर से जो भी लाइन गुजरेगा इक्वल कोर्ड पे तो क्या होगा कि वो 90 होगा, ये भी 90 है, समझ में आएगी नहीं। सिंस पीएम इक्वल टू क्यू एम, ठीक है, एंड एन हमको पता था, एन थ्योरम 10.4 क्या बोलता है, बोलो थ्योरम 10.4 क्या बोलता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर थ्रो द सेंटर ऑफ ए सर्कल बोलो टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द, वेरी गुड, इज
परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इज द कॉर्ड समझ में आएगी ना बात जो ये मान लेते हैं इक्वेशन वन क्या बोलते हैं भाई लोग क्लियर ना तो वही है कि एक्स एम पी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री एक्स एम पी भी 90 डिग्री और यहाँ पे गिवन था क्या क्या कि ओ वन एम पी भी तो क्या 90 डिग्री था ना ओ वन एम पी वो भी क्या 90 डिग्री था क्या इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको और यहाँ पे क्या बोला था कि ओ टू एम पी ओ टू एम पी वो कितना है वो भी 90 डिग्री इसको मान लेते इक्वेशन टू इसको मान लेते इक्वेशन थ्री तो वन और थ्री से क्या मालूम चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री हमको ये मालूम चला है कि ओ वन एम ओ वन एम पी इज इक्वल टू एक्स एम पी समझ में आ रही ने ये भी इक्वल टू 90 ये भी इक्वल टू 90 इसका मतलब क्या है कि एम और ए ओ वन अलग अलग पॉइंट नहीं है ये क्या सेम पॉइंट है सो इससे हम लोग ये मालूम चल रहा है कि O1 and X are not different point. O1 and X are not different point. Are not different points. They are same point. O1 and X are not different point. They are same point. They are same point. आये समझ में? Just they coincide. They coincide. Similarly, आप इसके बाद क्लियर प्रूव करो. आया ना समझ में देखो अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ओ वन जो क्या है सेंटर है ठीक है अब हम लोग लेगा कि इन सर्कल बी अब सर्कल बी को लेगा तो देखते हैं कैसा प्रूव करता है तो वाई क्या था वाई वेयर ना हियर वाई इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बी सर्कल बी इतना क्लियर हो गया अगर y सेंटर है तो y से लेकर अगर वहां पे एक लाइन खींचेगा है कि नहीं अगर y से लेकर इस बाइसेक का बीच में एक लाइन खींचेगा तो क्या होगा y m p कितना होगा 90 डिग्री होगा वेयर एंगल y m p कितना है 90 डिग्री क्यों हमको पता था थ्योरम 10.4 से क्या बोलता था कि इफ बोलो इफ द लाइन ड्रॉन हाँ इफ द लाइन ड्रॉन हाँ इफ द लाइन ड्रॉन drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord आए समझ में बात जाओ इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर तो कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड फोर comparing equation 2 and 4 हम लोग क्या बोलते हैं equation 2 क्या बोलता है qm q o 2 mp क्या था 90 डिग्री था और यहाँ पे क्या प्रूफ किया है ymp क्या है 90 डिग्री तो compare करने के बाद हम लोग क्या मिला है कि o 2 mp is equal to ymp means angle ymp तो mp क्या तो क्या o 2 equal to y therefore o 2 equal to y तो therefore क्या बोलता है कि O2 and Y are not different point and Y are different point. They are same. And hence O2 is the center of circle B. आया समझ में? Finish.